दोस्तों, एक के बाद एक अब दुनिया भर के देश चीन की जगह भारत के साथ खड़े होते दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान के बाद अब चीन अलग थलग पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और दुनिया भर के देशों के नेताओं से रिश्ते भारत के काम आ रहे हैं। पहले रूस ने इमरजेंसी में हथियार सप्लाई करने के लिए हाँ की, फिर इसराइल ने नए लाज़ेर गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाँ कर दी। फिर आज फ्रांस ने 6 राफेल इमरजेंसी में 27 जुलाई तक डिलीवर करने के लिए हाँ कर दी है और अब बड़ी जानकारी अमेरिका को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार संपर्क में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 भारत को देगा। पहले अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि भारत रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील को रद्द कर दे और बदले में अमेरिका भारत को F-35 देगा, पर अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति काम कर रही है और अमेरिका F-35 देने को तैयार हो गया है। बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। F-35 पांचवी जनरेशन का फाइटर जेट है और ऐसा कोई फाइटर जेट चीन के पास नहीं है। चीन ने अमेरिकी F-22 राप्टर की कॉपी बनाई है, जिसे वो J-20 बताता है, पर वो किसी काम की नहीं है। पूरी चीनी वायुसेना F-35 के सामने फेल है। F-35 पांचवी पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट है और ये भारत में आते ही भारत चीन की पूरी वायुसेना पर भारी पड़ जाएगा और पूरा गेम ही पलट जाएगा। भारत F-35 लेने की आधिकारिक घोषणा कभी भी कर सकता है और इसे लेकर चीन में अभी से कपकपी भी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।